हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कार लेके आए हैं। कार क्या यार, पिकअप ट्रक लेके आए हैं। दिस इज़ रैम TRX। पिकअप ट्रक का बाप इसे बोला जाता है, उस सेगमेंट में सबसे ऊपर ये स्टैंड आउट करता है। मेन कॉम्पिटिटर इसका फोर्ड रैप्टर है, लेकिन यस, रैप्टर को भी बहुत आराम से ये बीट करता है। क्या वो रीजंस है, क्या वो खासियत है कि ये जो व्हीकल है ये इतना आउटस्टैंडिंग है, अपनी रेंज में सबसे ऊपर लाई करता है। अगर हम लोग बात करें हाइलेक्स की, हम लोग बात करें आईसुजू की, तो वो सब चीज़ें तो इसके सामने बची हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस रैम TRX ट्रक को और बताएंगे इसकी सारी क्लासिफिकेशन, सारी स्पेसिफिकेशंस वन बाय वन, एंड लास्ट में आपसे बात करेंगे इसके प्राइस की। फ्रंट से आप इसे देखिए, फ्रंट प्रोफाइल इसका इतना मासिव है, इतना मस्कुलर है कि माइंड ब्लोइंग। आप देखिए, अगर हम इसके बोनट की बात करते हैं तो बोनट के ऊपर बहुत स्मार्ट डिज़ाइनिंग की गई है। TRX इसमें मेंशन किया गया, आपको वेंट्स दिए गए हैं, ये आपकी लाइट्स है, और यहाँ पे जो साइड में डिज़ाइन है ये भी बहुत क्लासी लग रहा है, और इसके अंदर भी आपके वेंट्स प्लेस किए गए हैं। वेंट्स इस कार में आपको जगह जगह मिलेंगे, चाहे हम फ्रंट की बात करें, चाहे साइड की बात कीजिए, टॉप की बात कीजिए, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपका 6.2 लीटर पेट्रोल इंजन यूज़ हुआ है, जो आपको पावर देता है 700 हॉर्स पावर। इमेजिन कितना पावरफुल व्हीकल है ये। जब हम इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए बात कर रहे थे तो हमें बताया जा रहा था कि इस कार की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, इसका पिकअप इतना आउटस्टैंडिंग है कि एकदम से गाड़ी स्टार्ट करते ही ये गाड़ी इस तरीके से भागती है कि आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इमेजिन किस तरीके की परफॉर्मेंस के साथ इतना बड़ा व्हीकल दिया गया है। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम बात करते हैं वेट इज़ टू पावर रेशो की, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार पावर शायद गाड़ी में उतनी नहीं होगी। तो वहाँ पर अपने आपको सुपर जस्टिफाई करता है कि जितना बड़ा ये व्हीकल है, जितना हैवी ये व्हीकल है, उतनी ही इसके अंदर पावर दी गई है। हेडलैम्प्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद द LED DRLs, जो बहुत स्मार्ट डिज़ाइन के साथ आता है। नीचे की साइड आप बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको टोइंग हुक दिए गए हैं, जो इस तरीके के व्हीकल में आपको बहुत कॉमन मिलते हैं, चाहे वो फ्रंट की बात करेंगे, चाहे आप बैक की बात करेंगे। फ्रंट में आपको यहाँ पर कैमरा भी दिया गया है और आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। चलिए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपके नोटिस में आती है वो है इसके मैसिव साइज टायर। अलॉयज का डिज़ाइन भी इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, 18 इंचेस इनका साइज़ है, और दीज आर ऑल टेरेन टायर्स, कि आप किसी भी टेरेन में बिना सोचे समझे इस व्हीकल को लेके जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यार कि ये आपका ऑफ रोडिंग कम कम्फर्टेबल कम लॉजिस्टिक सारे पर्पज़ को सॉल्व करता है। इनफैक्ट अपनी फैमिली को लेके भी आप इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ह्यूज साइज़ ORVM दिया गया है, और इसमें दो टाइप के लेंस का यूज़ किया गया है ताकि आपको बैक साइड से बहुत ब्रॉडर विजन मिले, बहुत क्लैरिटी से आपको चीज़ें दिखाई दे। यहाँ पर रैम मेंशन किया गया है, यहाँ पर भी आपको साइड में वेंट्स दिए गए हैं, स्टेप पैडल आपको मिल जाते हैं, और जो ये नीचे की साइड में ब्लैक पियानो फिनिश है, ये अगेन कार को बहुत अच्छा सा एक एलिगेंस प्रोवाइड कर रही है, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। जिन भी कार्स में नीचे की साइड में ये ब्लैक पियानो फिनिश दिया जाता है ना कार को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, हमेशा ये बहुत अच्छा अट्रैक्शन देता है। ये जो पीछे का हमारा पार्ट है ये आपका फुल ऑन लॉजिस्टिक के लिए, इसमें अपना बहुत सारा सामान आप कैरी कर सकते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, अपनी बाइक रख के ले जाइए, अपनी साइकिल रख के ले जाइए, कोई सामान आपको कैरी करना है इधर से उधर, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मल्टीपर्पज़ व्हीकल है ये, और बहुत सारे लोग इसमें मॉडिफिकेशन भी कराते हैं कि इसको कवर करा के आप इसके अंदर सोफे वगैरह भी रखते हैं, तो वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है एक। इसका बूट स्पेस बहुत ह्यूज है, मैंने आपको बताया आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी कैरी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेस मिलता है। दिस इज़ मैसिव, बहुत ज़्यादा स्पेस आपके पास अवेलेबल है। और जो इसके अंदर ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाला है, ये दिख बहुत हैवी रहा है, लेकिन यस, इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। आप इसको आराम से एक हाथ से भी उठा सकते हैं, मतलब एक हाथ के बाद थोड़ा सा एक और हाथ लगा दीजिए। मेरे हाथ के लिए थोड़ा भारी था, लेकिन यस, नो डाउट, थोड़ा सा हल्का है ये, बहुत इजीली मैनेजेबल है। इसके अंदर एंटर करने के लिए ये आपको ऑप्शन दिया गया है, इसको आप अपनी तरफ पुल करके बाहर निकाल सकते हैं। ओ बाप रे, तो ये इतनी ताकत लगेगी आपको इसको वापस करने में, और आपको इसको निकालने में भी ताकत लगेगी। भैया आप निकालो। हाँ, तो आप इस तरीके से स्टेप पैडल को निकाल के इसमें इस तरीके से बहुत इजीली इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आप इसको फिर किक करेंगे, फिर ये आप अंदर चला जाएगा, जो मेरी किक से नहीं जाने वाला है। बैक साइड में भी आपको कैमरा दिया गया है, आपके पास पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं ताकि आपका व्हीकल बहुत सेफ रहे और आपको हर जगह का एक्सेस रहे।
यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि इससे आप अपनी ट्रॉली वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने कोई ट्रॉली के अंदर ही अपना पूरा घर वर ऐसा सेटअप कर रखा है और आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, लाइट वगैरह को चाहिए आपको, तो आप इसकी हेल्प से उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे TRX मेंशन किया गया है क्योंकि इसका नाम ही TRX है, तो यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। सुपर स्टाइलिश LED टेल लैंप्स आपको दिए गए हैं जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको वेंट्स का इल्यूजन दिया गया है, ये फेक वेंट्स हैं, दीज आर नॉट वर्किंग। और अगर हम इन टोटल बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो येस नो डाउट, जितना स्मार्ट फ्रंट से लग रहा है उतना ही स्मार्ट आपका बैक प्रोफाइल है। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रियर में कार आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये आपका प्रॉपर 5-सीटर व्हीकल है जिसके अंदर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं विद फैमिली, अपना सामान भी इसमें कैरी कर सकते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ में आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। रियर डोर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत स्मार्ट ग्रे फिनिश दिया गया है जो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है, अल्कंटारा का आपको जगह जगह यूज़ दिखाई देगा। सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं गाड़ी में, प्लास्टिक का मिनिमम यूज़ है और जहाँ पर भी ये यूज़ है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, कहीं पर भी आपको फिट एंड फिनिश वाइज क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखाई देगा। ये है इसका स्पीकर। ये नीचे जो आपको मैट पर लोगो दिखाई दे रहा है ये आपका रैम का लोगो है। इंटीरियर में अगर हम बात करेंगे तो येस नो डाउट, सिटिंग इज़ वेरी कम्फर्टेबल, यू हैव इनफ ऑफ नी रूम, हेड रूम, बहुत ज़्यादा आपको जगह दिखाई देती है और बहुत मज़े से बैठ के इसमें ट्रैवल करने वाले हैं आप, बहुत अमेजिंग है ये। ये सेंटर में हमारा हैंडरेस्ट दिया गया है जो बेसिकली आपकी वैसे सीट है ये प्रॉपर, इसके अंदर आपके ट्विन कप होल्डर का ऑप्शन है और अंदर आपके पास छोटा सा स्टोरेज दिया गया है लाइक दिस। और अगर आप इसको ऊपर कर देते हैं तो ये आपकी थर्ड पैसेंजर की पीछे सीट बन जाती है। एंड येस नो डाउट दिस इज़ ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल, आपका जो बैक है वो हार्ड नहीं है, दैट इज़ वेरी कुशनी, काफ़ी कम्फर्टेबल है। फ्रंट यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, ये आपके ब्लोअर के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, Type-C पोर्ट दिए गए हैं, USB पोर्ट दिए गए हैं, सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन है आपके पास और 115 वोल्ट AC चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। चलिए आप चलते हैं कार के फ्रंट पे। फ्रंट डोर की अगर आप बात करेंगे तो अगेन यहाँ पर अल्कंटारा का यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी बहुत स्मार्ट टेक्सचर का यूज़ है, कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं और जो आपकी ड्राइवर और पैसेंजर साइड की विंडोज़ हैं ये आपकी सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ भी आती हैं। लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, ORVM कंट्रोल्स हैं। नीचे के साइड पर आपको बॉटल होल्डर की जगह मिलती है और यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो है इसका फुल ऑन डैशबोर्ड लेआउट। आप इस लेआउट को देखिए, सुपर क्लासी यार, अलग ही लेवल की चीज़ आपको लगेगी, क्या अमेजिंग लुक्स हैं इसके। चाहे हम बात करें इसके स्पोर्ट या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, चाहे हम बात करें इसके ह्यूज साइज इंफोटेनमेंट सिस्टम की, चाहे जिस तरीके से ये कंट्रोल्स दिए गए हैं, एवरीथिंग इज़ मार्वलस, सुपर फैबुलस। आपको ऐसा लगेगा कोई बहुत खतरनाक वाला स्पोर्ट व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात करेंगे तो देखिए इसमें सबसे ऊपर मेंशन किया गया है TRX, इसके अंदर आपका RPM मीटर है, आपका स्पीडोमीटर है, सेंटर में आपकी बहुत सारी रीडिंग शो हो रही है लाइक योर टायरट्रॉनिक्स, योर प्रेशर, बहुत सारी रीडिंग्स यार, आपका ट्रिप कितना है, फ्यूल इकोनॉमी क्या है, आपकी एवरेज क्या है, ये सारी रीडिंग्स आप सेंटर से देख सकते हैं। स्टेयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कुछ पार्ट आपका लेदर रैप्ड है, कुछ पार्ट में आपका अल्कंटारा यूज़ किया गया है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है ये और जो बहुत स्मार्ट लुक के साथ आता है। यहाँ पे आपको रैम का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप बात करेंगे तो आपके पास वॉइस कमांड है, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं और ये कंट्रोल्स आपके MID के लिए दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है और जो आपको ये दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं इससे क्या होता है, जो आपका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें वर्क करेगा तो यहाँ पर थोड़ा कम सेंसिटिव रहता है, इतना कर देंगे तो बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाएगी कार, काफ़ी डिस्टेंस पहले ही ब्रेक ले लेगी, अपनी स्पीड को आगे वाले व्हीकल से मैच करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर आपको लाइट कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स को चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, मोड लिखा हुआ है, अपने ड्राइविंग मोड्स को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नीचे आपके पास फुल ऑन 4x4 कंट्रोल्स दिए गए हैं, फोर व्हील ड्राइव ऑटो है, फोर व्हील ड्राइव लो है आपका, ये हाई है आपका और ये आपका एक्सेल लॉक के लिए दिया गया है एंड दिस बटन इज़ फॉर न्यूट्रल।
ये है आपका सेंटर में ह्यूज साइज इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके सराउंड में फुल ऑन ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है ताकि थोड़ा एनहेंस्ड लगे आपको। ये आपका टच के साथ आता है और इसके अंदर आपके बेसिक सारे टेक फीचर्स दिए गए हैं लाइक योर एंड्रॉयड ऑटो। आप इसमें कैमरा देख सकते हैं, आप अपना सीट कम्फर्ट सेट कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड्स आपको दिए गए हैं, आप एयर वेंटिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। इसके नीचे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये ऑक्स जो आपको ऑप्शन दिया जाता है, वो अगर आप कार में कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हैं, सपोज आपने कोई सिंपल सी लाइट ही ऐड करा ली, तो उसके लिए आपको सिंपल ये कंट्रोल यूज़ करना है। उसके लिए आपको कुछ अलग से स्विचेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ही सेटिंग्स आपका वो काम कर देगी ताकि आपका जो व्यू है, कार का जो लुक है, वो बहुत सिंपल रहे, नीट एंड क्लीन रहे। आप अलग से कोई स्विच और बटन लगाते भी नहीं घूमे गाड़ी के अंदर। नीचे के साइड में आपको USB पोर्ट दिए गए हैं, टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं। ये छोटा सा स्टोरेज यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये आपके पास वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आपके पास ट्विन कप होल्डर है। ये है आपका गियर लीवर जो बहुत स्मार्ट लग रहा है। जो आपका सेंटर में आर्म रेस्ट है, सी इट्स साइज, और इसके ऊपर भी अल्कंटारा का यूज़ किया गया है। और इसके अंदर आपके पास ह्यूज साइज स्टोरेज है और इसके अंदर आपको 115 वोल्ट का एसी सॉकेट मिल जाता है। और देखिए, इसमें एक कार के आगे डायनासोर चल के जा रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये व्हीकल कितना ह्यूज है और इसको कंपेयर किया जा रहा है डायनासोर के साथ। इसके अंदर आपको दो ग्लव बॉक्स दिए गए हैं, एक है आपका ऊपर की साइड और नीचे है आपका लॉक ऑप्शन के साथ। दोनों के अंदर आपका डिसेंट साइज का स्टोरेज, आप काफ़ी सारा अपना सामान रख सकते हैं। और वहाँ पर आपको TRX की बैजिंग मिल जाती है। कार के अंदर आपको ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है तो इनकी हेल्प से आप बहुत ईजिली गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ऊपर की अगर आप बात करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिलते हैं और इस कार के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। और अगर आपको ओपन करना है तो आपका फ्रंट वाला ये वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। पहले आप इसकी की देख लीजिए, इसमें TRX मेंशन किया गया है। लॉक का ऑप्शन है, अनलॉक का ऑप्शन है। इसकी हेल्प से आपकी बूट ओपन हो जाएगी। आप इसको डबल टाइम प्रेस करेंगे, ये ओपन हो जाएगा आपका इस तरीके से। और अगर आप इसको ट्वाइस प्रेस करेंगे तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी की के अंदर ही सारे कंट्रोल है, ज़्यादा कुछ आपको फ़ोन वोन में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ। और की भी बहुत सिंपल सी है, बहुत हाईटेक की नहीं है कि भैया टच है ये है, सिंपल से सिंपलीफाइड सी, और मतलब बोलते ना प्रैक्टिकल की, वो की है ये। इंजन की अगर हम बात करेंगे तो इस कार के अंदर आपका 6.2 लीटर सुपर चार्ज पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है, जो आपको पावर देता है 702 हॉर्स पावर और आपको टॉर्क यहाँ पे मिलता है 615 न्यूटन मीटर का। गाड़ी की सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो इस कार के अंदर आपको 4 एयरबैग्स दिए गए हैं, ABS इस कार के अंदर है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें है, ESP इसके अंदर दिया गया है, फ्रंट एंड बैक में आपके डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि सेफ्टी वाइज गाड़ी में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, एवरीथिंग इज़ सुपर फैबुलस। और जितना बड़ा ये ट्रक है उसके हिसाब से हमें लगेगा कि यार उतनी इसमें पिकअप नहीं होगी, उतनी इसमें पावर नहीं होगी, वहाँ पर फिर से गलत हो जाएंगे। यार हम लोग इसके अंदर 6.2 लीटर का पेट्रोल इंजन यूज़ किया गया है जो आपको 0 to 100 ले जाएगा इन जस्ट 3.2 सेकेंड्स। इमेजिन कितना मैसिव ट्रक और कितना ज़बरदस्त पिकअप, माइंड ब्लोइंग। तो दोस्त, ये थी हमारी रैम TRX। होपफुली आपको ये गाड़ी अच्छी लगी होगी। गाड़ी क्या यार, ये गाड़ी कम गाड़ियों का बाप है। ये वो चीज़ है जिसको आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे अपनी फैमिली के साथ यूज़ कीजिए, पिकनिक पे जाना है वहाँ ले जाइए, आपके पास अगर कोई बहुत बड़ी ट्रॉली है जैसे आपका कैरावैन वगैरह होती है उसको आप इसमें कनेक्ट करके पूरी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको बताए मैंने। तो कैसी लगी आपको वीडियो, तो मुझे ये बताइएगा। और फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।